तिदंत बोध्यमिति कंदलीकार श्रीधराचार्य के मत में अन्यों के मत खंडन करते हुए कारम करते हैं। इदंत बोध्यमिति यत्र अन्यत एकत्व ज्ञानम, जहाँ पर अन्यत एकत्व ज्ञान होगा, अर्थात यद्य द्रव्य निष्ठ सावच्छिन्न अनेक विशेषताकम संख्यात व्याप्त द्वितत्व त्रितत्व पंचदशत्व षोडशत्व आद्यवच्छिन्न अप्रकारकम एकत्व प्रकारक प्रत्यक्षम एकोयम योकोयम इत्यादि पंचदशवाराद्याकारकम तत्र तत्तद्रविनिष्ठ त्रित्वादि भिन्न त्रित्वादि परार्धत्वान्त संख्या विभाजक धर्म अन्यतम शून्य बहुत संख्या उत्पद्यते, एक अलग ही बहुत संख्या मानना चाहते हैं। सबसे पहले कंदलीकार का श्रद्धाचर मत को दिखाएंगे, उसके निराकरण करने हैं। भाई ये बहुत्व को वो द्वित्वादि से अलग मानते, त्रित्वादि से अलग कोई बहुत्व मानते, स्वतंत्र धर्म मानते, स्वतंत्र संख्या, उसको खंडन करने के लिए आरंभ कर दिया। जहाँ पर अन्यत एकत्व ज्ञान है, जहाँ पर अनेक एकत्व है किंतु वो नियत नहीं है, अनियत अनियत एकत्व ज्ञानम, उसका स्पष्ट कर दिया। यद्यनिष्ठ सावच्छिन्न जो अनेक विशेषता के संख्यात्व व्याप्य जो द्वित्वत्व तृत्वत्व आदि 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 पंचदशत्व षोडशत्व शतत्वत्व इत्यादि, ये कोई भी चीज़ें वहाँ नहीं है। वो चिन्ह अप्रकार का ये प्रकार रूप में उपस्थित नहीं है, मनियत नहीं है। भाई तृत्व चतुर के मनियत हो गया ना, तीन है चार है, ऐसा नियत संख्या से परिच्छिन्न नहीं है, तार धर्मावच्छिन्न नहीं है वो। अप्रकारकम एकत्व प्रकार प्रत्यक्षम, ऐसा फिर भी एकत्व प्रकार प्रत्यक्ष क्या है, एकोयम एकोयम इत्यादि पंचदशवाराद्याकारकम तत्र तत्त्वनिष्ठा तृत्वादि भिन्न, इससे भिन्न पंचदश षड़शत तृत्व चतुर्थत्व आदि आदि से परार्ध पर जितने भी है सबसे भिन्न एक बहुत मानेंगे वह, क्योंकि इस नियत नहीं बन पाए। अयम एकम अयम एक अयम एक नियत नहीं है, तीन है कि दस है बीस है लाख है करोड़ है अरब है खरब है, कोई नियत नहीं बन पा रहा है। इसको आगे कहा तृत्वादि भिन्न का मतलब क्या, तृतत्वादि परार्ध तत्वांत संख्या के विभाजक दशा में उन अन्यतम से शून्य है, उनमें से एक भी नहीं, तीन से अनंत के बीच का कोई भी संख्या नहीं पकड़ पा रहे हैं। इन एकम एकम बोल भी रहा हूँ, ये भी एक ये भी एक, लेकिन कितने एक है ऐसा वो गिन नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पर क्या हो जाता है बहुत कहा जाता है, इसे उसको पृथक संख्या मानना चाहिए, ये कंदलीकार का कहना था। विभाज का धर्म अन्यतम शून्य बहुत संख्या उत्पद्यता है, यथा रथ गज तुरग पदाति समुदाय आत्मक सेनायाम, जैसे देखो सेना क्या होती है, रथ है गज है हाथी तुरग माने घोड़ा और पदाति पैदल वाले सैनिक, ऐसा मिल करके ना सेना होता है। पत्ती सेना सबसे छोटी सेना है, अक्षौहिणी सेना सबसे बड़ी गिनाया गया है, तो सेना और भी समुदाय में हो गया। इसी प्रकार से वृक्ष लता गुच्छ आदि समुदायत्मक कौन हो जाएगा, वन, एवं सभासद सभापति प्रवृत्ति समुदायत्मक सभायांच तृत्वादि भिन्न भौत संख्या उत्पद्यते, ऐसे स्थल में हम तृत्व से भिन्न भौत संख्या को मानेंगे, ये कहता है। न तो पंचदशत्व शतशत्व आदि संख्या और पंद्रह दस बीस सौ आदि कोई संख्या हम नहीं मानेंगे। अन्यत एकत्व ज्ञान से तथा कारणत्व भावात अन्यत एकत्व ज्ञान रूपा व कारणत्व न होने के कारण से, तथा च तृत्वादि व्यापिका भौतत्वात्मिका जाति रेवती प्रशस्तपाद भाषा कंदलीकार मतलब, इसे तृत्वादि का व्यापिका भौत नामक एक अलग ही जाति होती है, ऐसे प्रशस्तपाद भाष्यकार के अनुसरण करता हुआ कंदलीकार का सिद्धांत है, लेकिन ये ठीक नहीं है। उक्ताम आशंकाम उदयनाचार्य मतेन, आचार्य उदयन के मत से निराकर दे खंडन किया जाता है। आचार्यास्त्विति अन्यत एकत्व ज्ञानेन भूत संख्या उत्पद्यते साच तृत्वादि परार्धत्वांता अन्यतमा एव न व्यतिरिक्ता,
ये ठीक आपने कहा, अनित्य एकत्वादिका निश्चय के कारण से बहुत नाम की संख्या उत्पन्न होती है, हम भी मानेंगे। इसलिए बहुत शब्द का प्रयोग होगा, नहीं तो बहुत शब्द प्रयोग कैसे करूँगा, क्या होगा उसके प्रवृत्ति निमित्त। इसे आपका कहना ठीक है, अनियत एकत्व, जहाँ नियत एकत्व रहेगा वहाँ तो तीन चार पाँच संख्या बोल दिया जाएगा, जहाँ अनियत रहेगा वहाँ बहुत्तम विपुलत्तम ये शब्द प्रयोग करूँगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पृथक जाति नहीं मानूंगा, पृथक संख्या नहीं तीन आदि से, किंतु वही कह रहे हैं साच तृत्वादि परार्धान तत्व के अन्यतमय, उसके अंदर ही होगा, उसे बाहर नहीं हो सकता कुछ। कि एक से लेकर के परार्थ से अंदर ही तो सारी संख्या है, परार्थ का मतलब ही अनंत लास्ट, उसे और ऊपर है ही नहीं कुछ, उसे भिन्न कहाँ से संख्या तुम ला रहे हो। बहुत नाम की संख्या आप इनसे भिन्न कह रहे हो ना, कैसे कह सकते हो, क्योंकि सिद्धांत है एक से परार्थ पर्यंत सारी संख्याएं हैं, उसे बाहर कोई संख्या नहीं। तो उसे बाहर कोई संख्या नहीं है, सब बहुत भी इसके अंतर्गत ही होगा, भले कि निश्चित नहीं बोल पा रहे हो लेकिन है तो इसके अंतर्गत, बाहर ही नहीं, इसे स्वतंत्र जाति नहीं हो सकती, ये इनका कहना है। तृत्वादि परार्धान तत्व के अन्यतमैव न व्यति न तो अतिरिक्ता इति मन्यन्ते, तथा च बहुत्वस्य तृत्वादि अभिन्नत्वे च, इसे बहुत्व क्या है तृत्वादि से अभिन्न ही है, तीन को भी बहु कहूँगा बहुत्व कहूँगा, चार को भी बहुत कर दूंगा, पाँच का भी नाम बहुत है, सबका नाम बहुत है, इसी के आधार पर तो वैयाकरण बहुशु बहुवचन है। वो बहुत का अर्थ क्या है तीन से परार्थ पर्यंत है, इसी अर्थ में वो भी ले रहे हैं, इसे उदयन आचार्य के मत तो व्याकरण से भी सहमत है। तृत्वत्वादि व्यापिका मान तृत्वत्वादि भिन्नत्व सति तृत्वत्वादि समनादिर्ण अभाव अप्रतियोगित्व रूपा, तृत्वत्व का व्यापिका मतलब क्या, तृत्वत्वादि जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर भूत्व है, और तृत्वत्वादि जहाँ पर है वहाँ में रहने वाला समनादिर्ण अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी भी है, मैंने सदा साथ रहने वाला है, कहीं अभाव हो जाए उसका समनादिर अत्यंत अभाव हो जाएगा, इन ऐसा नहीं होता, समनादिर अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी भी बहुत, माने तृत्व से लेकर परार्थ पर्यंत कोई भी संज्ञा जहाँ कहीं भी रहेगा वहाँ बहुत भी रहेगा, कहीं से समनादिरण में अत्यंत अभाव मिलेगा नहीं। आप ये नहीं दिखा सकते यहाँ पर चार संख्या है किंतु बहुत नहीं है, ये नहीं दिखा, किसी एक अधिकरण में तृत्वादि हो और बहुत्व का अभाव हो आप नहीं दिखा सकते। इसे अभाव किसका लेना पड़ेगा, अन्य चीज का भाव ले लो, रूपादि का भाव, उसका प्रतिगुण हो जाएगा रूपादि, अप्रतियोग हो जाएगा बहुत, लक्षण स्वामी हो जाता है अप्रतियोगित रूपा, बहुत तत्व जाति न स्वीकृत है, इसलिए हम बहुत तत्व को एक अलग कोई जाति ही हम नहीं मानते, उपाधि है केवल, अनियत संख्या के लिए बहुत रूपी उपाधि मान लिया गया। तथाच तत्र तृत्वाध्यात्मकम एक बहुत्तम उत्पद से तृत्वाध्यात्मक ही एक बहुत हम स्वीकार कर लेंगे, ननु यदि द्वित्वादि परार्थत्व अन्यतमम एव बहुत्वम, द्वित्वादि न एक अनेक से द्वित्व को भी बहुत में ले लिया इन्होंने व्याकरण से हट करके, यहाँ पर इतना ही करें द्वित्वादि परार्थ पर सबको आप अन्यतम कोई बहुत कहते हो, तथा सेना दो सहस्रत्वाध्यात्मक बहुत्तम सहस्रतत्वेन रूपेण कथम न क्रियते, सेनादि में सहस्रत्वात्मक बहुत्व को सहस्रतत्वेन रूपेण क्यों निग्रहण करते हो, इत्यतः सेनावनादावीति, जवाब दिया सेनावाद उत्पन्न अपनी तृत्वादो तृतत्वाद्य अग्रहो, क्यों ग्रहण नहीं हुआ दोषात, ये कहा था उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सेनायाम वने च उत्पन्ने भी तृत्व सहस्रत्वाद्यात्म के बहुत्व, तृत्व से लेकर अनंत पर्यंत का जो बहुत्व कोई ना कोई बहुत्व उसमें भी है, इसे कोई संशय नहीं, उत्पन्न होने पर भी उसके बावजूद भी तत्र दोषाद्रुत, क्या है दोष क्या है वहाँ पर, नियत अनेक एकत्व ज्ञान अभावात्मक दोषात्, नियत अनेक एकत्व ज्ञान नहीं है, ये इतने एक है अयम एक अयम एक अयम एक करके गिन करके नियत निश्चय नहीं कर पा रहा, यही मुख्य कारण है। तृत्वात्मक बहुत पे कहने के लिए क्या है नियत होना चाहिए, तृतरूप बहुत यहाँ पर है ये कह सकता हूँ, जब निश्चय नहीं है तीन के चार के कितना है और केवल बहुत कह रहे हो वहाँ पर तो घटा नहीं सकते आप, इसलिए कहते देखो जहाँ पर नियत अनेकत्व रूपा जो
ज्ञान है उसका अभाव होने के कारण दोषात्मक यही व्याख्या किया है इन्होंने, नियत जो अनेक एकत्व ज्ञान है उसके अभावात्मक दोषात् त्रितत्व सहस्रान तत्वादि नाम ग्रह प्रत्यक्षम न भवति इत्यर्थ। अग्रात का मतलब क्या, वहाँ पर त्रितत्व से लेकर के कोई भी संख्या चाहे सहस्र हो लाख हो करोड़ हो उस संख्या का वहाँ स्पष्ट प्रतीति नहीं है। अनियत अनेक एकत्व ज्ञान से, इसलिए क्या हुआ अनियत अनेक एकत्व ज्ञान है, कितने एकत्व है मालूम नहीं, अनियत है अनेक एकत्व है। हाँ ऐसे ज्ञान से तृत्वोत्पत्ति कारणत्व भी, तृत्वोत्पत्ति कारण होने पर भी तृत्वांश तृत्व प्रकार प्रत्यक्ष नियत अनेकत्व ज्ञान से हेतुत्व न। फिर यहाँ पर जो है तृत्वांश में तृत्व प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वही नियत अनेक एकत्व ज्ञान का पेश करते हुए तृत्व संज्ञा का ज्ञान उत्पन्न करता है। तद बिना न तृत्वादि प्रकार प्रत्यक्ष भवति, उसके बिना जो है तृत्वादि प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाएगा। इत्थंच इस प्रकार से बहुत्व से तृत्वादि रूप त्व स्वीकारे एव इयम सेना इति इतो बहुतरा बहुतमावा, तभी घटा भी जाया जा सकता। यह जो सेना है इस सेना के पे यह बहु है और उसे वो बहुतरा और उसे भी आगे तीसरी बहुतमा है, ये तारतम्य भी तो घटा पाऊंगा, यदि बहुत संख्या ही नहीं है तो तारतम्य कैसे घटाओगे। इत्याकार प्रमात्मक प्रतीतिर अभ्रांत ज्ञातुं शक्यते, अभ्रांत पुरुषों के द्वारा जानना संभव है इत्यर्थ। कंदलीकार मतम दूषयति, पूर्वोक्त कंदलीकार मत दूषित कर और स्पष्ट करते बहुत्वस्य इत्यादि, बहुत्वस्य तृतत्वादि पदार्थत्वान्त अय अन्यतम स्वरूप अनंगीकार पक्ष, यदि बहुत को पृथक मान करके तृतत्वाय अन्यतम रूप न मानेंगे तो बहुत्वे स्वसजाति उत्कर्ष भावात, बहुत्व में स्वसजाति उत्कर्ष कैसे सिद्ध कर पाओगे। बहुत्वस्य एकस्यैव तर्तम भाव विरहात, एक में तर्तम भाव कभी हो ही नहीं सकता, अनेक चाहिए तर्तम भाव के लिए। प्रियम सेना इतो बहुतरा यदि प्रतीतिर नोपपद्यते इत्यर्थः। आचार्य में दे तो आचार्य में तो संभव है कि बहुत क्या है तृत से परार से भिन्न है ही नहीं, तृत से परार से क्या तारतम्य है, तीन से संख्या परार संख्या पर्यंत तारतम्य है, अतः उस तारतम्य को लेकर के बहुत में भी तारतम्य आ जाएगा। आचार्य में दे तो इतो बहुतरा इत्यत्र बहुत तृत्वादि रूप स्वसजातीय निरूपित उत्कर्ष से स्वसजाति निरूपित उत्कर्ष विद्यमान होने से तार्श प्रतीत प्रतीतिव इति भाव, उस प्रकार की प्रतीति सम्यक होता ही है। न च बहुत्वस्य तृत्वात्यभिन्नत्वे बहुत्वत्तावच्छिन्न प्रकारदशाली, निश्चय काले तृत्वत्तावच्छिन्न प्रकारकस्य संशयो न स्यात्। यदि कोई कहे बहुत्व तृतत्वादि अभिन्न है फिर तो बहुत्वत्तावच्छिन्न प्रकार का जहाँ ज्ञान हुआ वहाँ पर तृतत्वादि अवच्छिन्न प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। ये बहुत है, किसने कहा है बहुत है तो दिमाग में ना 20 है क्यों नहीं आता है, ये 30 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहाँ संशय हो रहा है ना। लेकिन आपके अनुसार तृतत्व बहुत से भिन्न नहीं है, तृतत्वादि बहुत से भिन्न नहीं, बहुत ज्ञान हो जाए उससे अभिन्न है ना, ये जो भी है वो पकड़ में आ जाना चाहिए तुरंत, क्यों नहीं पकड़ में आता। जहाँ तृतत्वादि है वहाँ बहुत्व तो समझ में आ रहा है, यदि तृतत्व और बहुत से अभिन्न कह देते हो जहाँ कहीं मैंने बहुत ग्रहण कर लो वह बहुत किसके साथ है, किस संख्या से जुड़ा हुआ भेद है, वो संख्या पकड़ में आ जाना चाहिए 20, 30, 50 जो भी होगा, क्यों नहीं पकड़ में आता, ये पूर्व पक्षी पूछा है। न च बहुत्वस्य तृत्वादि अभिन्नत्वे बहुत्तत्वावच्छिन्न प्रकार दशाली का, निश्चय काल में तृतत्वाद्य अवच्छिन्न प्रकार का संशय न स्यात् नहीं होना चाहिए। तृतत्वादे है बहुत्तत्वादि रूपेण निश्चितत्वाद इति न च वाच्य में शब्द कहो, बहुत्तत्वावच्छिन्न प्रकार का निश्चय तद्धर्मावच्छिन्न अभाव प्रकार बुद्धि प्रत्यय प्रतिबंधकता, बहुत्तत्वावच्छिन्न प्रकार का निश्चय है तद्धर्मावच्छिन्न अभाव प्रकार बुद्धि के प्रति प्रतिबंधक होता है, हमेशा तद्वत्ता बुद्धि प्रति
तदभावत्व बुद्धि प्रतिबंधक और तदभावत्व बुद्धि के प्रति तदवत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होता है। बुद्धि प्रति प्रत्येक प्रतिबंधकतया तार्श निश्चय काले तृत्वत्ता वचन प्रकार संशय उत्पत्त बाद का भावाद इसे तार्श निश्चय काल में मैंने बहुत है इतना कहने मात्र से वहाँ तृत्व संशय होता है, कोई विरोध नहीं है, उचित ही है संशय होना। इति संख्या ग्रंथ, इस प्रकार संख्या रूपी गुण पर विचार समाप्त हो जाए और परिमाण गुण आरंभ होता है। परिमाणम भवित्मान व्यवहार से कारणम अणु दीर्घम महत्स्व मिति तद्भेद ईरित हो। परिमाणम भवित मान व्यवहार से कारणम, मान व्यवहार का आसान कारण परिमाण, मान के व्यवहार का आसान कारण है बुद्ध गुण का नाम परिमाण है। और उसका भेद चार प्रकार का माना गया है, कहा गया है अणु दीर्घ मध ह्रस्व इस प्रकार से। परिमाणम निरूपयति परिमाणमिति, परिमिति व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम, परिमिति के व्यवहार का आसान कारण का नाम परिमाण होता है। तत्चतुर्विधम और चार प्रकार का है अणु महत दीर्घम ह्रस्वंच, यद्यपि इन्होंने अणु दीर्घम कह दिए थे है कि नहीं, क्रम श्लोक के लिए छंद ना बिगड़े क्रम वैसे रख दिया, इन वास्तव में क्रम यह उचित है अणु महत दीर्घम ह्रस्व। ठीक है, यहाँ का मूले परिमाणमिति मानम ने परिमिति ही, मानम ने परिमिति ही, तस्य यो व्यवहार इदम महत इदम अणु इत्याद्यात्मक हो, जो छोटा है ये बड़ा है ये लंबा है इत्यादि जो व्यवहार है तस्य कारणम उसके आसान कारण का नाम गुण का नाम परिमाणमित्यर्थ हो। तच्च अणु महद रसम दीर्घंच इति चतुर्धा भवति, चार प्रकार का माना गया। मान व्यवहार असाधारण कारणत्वात्मक लक्षण से काले अतिव्याप्ति वारण मुक्तावल्यम तदर्थम माह, मान व्यवहार असारण कारण भूता जो व्यवहार है आत्मक लक्षण ये काल में भी अतिव्याप्ति हो जाता है, तद अर्थम माह इसलिए उसका अर्थवास्तव बता रहे हैं। परिमिति व्यवहार असारण कारणम इति मान पद अनुपाद आने, क्योंकि मान पद नहीं तो गए दंडम मान यदार शब्द प्रयोग और दंड आन रूप जो व्यवहार उसके प्रति आसान कारण भी ये लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगा। ये लक्षण क्या बचेगा, मान घटा दोगे तो व्यवहार आसान कारण कोई व्यवहार ले लूँगा, घटपट घूमना फिरना खेलना खाना पीना कुछ ही हुआ वहाँ जो शब्द प्रयोग भी हो रहा है वो सब में अतिव्याप्ति हो जाएगा, इसे मान कहना आवश्यक है। दंडम मान इत्यादि शब्द प्रयोगात्मक जो व्यवहार और कि आसान कारण भूता दंड में अतिव्याप्ति हो जाएगा। कालादि वारण या आसान कारण को साधन करना क्या है काल ईश्वर इच्छा सब आ जाएंगे अतिव्याप्ति हो जाएगी। कारण पद अनुपादन है कारण ना दो तो हम धर्म ले लूँगा, मान व्यवहार आसान धर्म ले लूँगा तो जाति पर चला जाएगा। कारण पद अनुपादन है मान व्यवहार इत्याकारक आनु पूर्वी अवच्छिन्न शब्दम आदय तस्य असाधारण शब्द मान व्यवहारत्वात्मक शब्दत्वात्मक तत्र अतिव्यक्ति सियात, वह शब्द में अतिव्यक्ति हो जाएगा जिस शब्द को लेकर आप व्यवहार कर रहे हैं। अथवा महान इत्यादि शब्द निष्ठ वाचता संबंधावच्छिन्न कारणता निर्विध समय संबंधावच्छिन्न कारणत्म परिमाण लक्षण, ये परिमाण कार्य कारण भाव से लक्षण बना दो। परिमाण क्या है कारण है, किसके प्रति व्यवहार के प्रति अपने का कौन से व्यवहार वही समझा रहे हैं। महान इत्यादि अणु ह्रस्वम दीर्घम इत्याकारक जो शब्दनिष्ठ महान इत्यादि शब्दनिष्ठ जो वाच्यता संबंधावच्छिन्न कार्यता है उस कार्य के प्रति समय संबंधावच्छिन्न कारण तो कौन हो जाएगा परिमाण हो जाएगा। यत्र पृथ्वी अंतराल नीत पदार्थ है, पृथ्वी के भीतर में नीत पदार्थ है वह महान व्यवहार हो मान व्यवहार हो जाता है। कदापि न जाता कदापि ऐसे व्यवहार उत्पन्न नहीं हुआ, पृथ्व्यंतर निहित पदार्थ है मानित व्यवहार कदापि न जाता तत्र अव्याप्ति इन वहाँ अव्याप्ति वारण करने के लिए तार्शक कारणत्व समनादकरण रूप असंवेद जाति मत्यमति लक्षणार्थोपाध्य। पृथ्वी के अंतराल में निहित पदार्थ में महान ऐसे व्यवहार कभी नहीं हुआ वहाँ पर लक्षण अव्याप्ति हो जाएगी,
महान व्यवहार नहीं होता कि अणु व्यवहार होगा, विपरीत तेरे से व्यवहार लक्षण नहीं जा रहे हैं आपका। क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पर? क्योंकि जो है न कदापि न जाता, व्यवहार नहीं हुआ ना। आप लक्षण में क्या कहा, जहाँ व्यवहार हो वही परिमाण का लक्षण जाएगा। जब व्यवहार नहीं हो रहा है लेकिन वास्तव मत है वो, भले आप व्यवहार नहीं कर रहे हो लेकिन व्यवहार घटित लक्षण वहाँ नहीं जा रहा है, इसलिए व्याप्ति हो जाएगा। इसलिए जाति पर घटाओ हमेशा अतीन्द्रिय में अव्याप्ति निवारण करने, इस तरह पर सूक्ष्म वस्तु में अतिव्याप्ति निवारण करने, अव्याप्ति निवारण क्या करना पड़ता है, जातिगत लक्षण करना पड़ता है। ये उत्पन्न लक्षण द्रव्य निर्गुणम है लेकिन उसे गुण का लक्षण कैसे जाएगा, जातिगत घटाओ तब जाएगा वो। इस तरह से यहाँ पर जाति घटित बना रहे तार से कारण समानाधिकरण रूप असमेत जातिमत्तम ऐसा कर, तार से कारणत्व समानाधिकरण में असमेत जो जाति हो जाएगा परिमाणत्व जाति, तार जाति वाला परिमाण हो जाएगा। एवं तार से कारणत्व समानाधिकरण दीर्घत्व आवृत्ति आगे ना, दीर्घत्व आवृत्तित्व मत्तम महत्व लक्षण, दीर्घत्व आवृत्ति जाति मत्तम महत्व लक्षण हो जाएगा। एवं दीर्घ शब्द निष्ठ वाच्य संबंधावच्छिन्न कारणता निर्विध समय संबंधावच्छिन्न कारणत्व समानाधिकरण जाति मत्तम दीर्घ परिमाण लक्षण प्रत्येक में से ले लूंगा। दीर्घ पदस्थाने अणुपदम रसपदम च निक्षिप्य, इसी प्रकार से दीर्घ हटाओ अणु रख दो, अणु हटाओ रस दो, चार लक्षण बन जाएंगे परिमाण का। जातिवत्तम दीर्घ परिमाण लक्षण यथा तथा दीर्घ पद को हटा कर स्थाने अणुपदम रसपदम च निक्षिप्य अणुपरिमाण से रस परिमाण से लक्षणे बोध्ये। एवं परिमाण पद शकतावच्छेदकतया इसे परिमाण इस पद का शकतावच्छेद रूपेण सिद्ध है परिमाण तो जाति मत्तम परिमाण सामान्य लक्षण सिंचो परिमाण तो जाति मत्तम एवं परिमाण लक्षण सामान्य लघु लक्षण हो जाएगा। एवं अणुत्वादि पद शकतावच्छेदकतया सिद्ध अणुत्वादि जाति मत्तम अणुत्वादि चतुर्णाम लक्षण बोध्यम, चारों में ऐसे हो जाएगा। अणुत्वम परिमाणम महत्वम परिमाणम इत्यादि अनुगत प्रतीत्या परिमाण जाति सिद्धिरपि बोध्य, उस किसी अनुमान अधिकरण की जरूरत नहीं है, सर्वानुभव सिद्ध है वो। एवं अणुत्वम महत्वम दीर्घत्वम रत्नत्वम अनुगत प्रतीत्या अणुतत्वादि जातिया सिद्ध्यन्ति, अणुतत्वादि जातियाँ भी सिद्ध माने जाएंगे। मूलोक्त क्रम को परित्याग करके भाष्यकार के क्रम के अनुसार बोल दिए इन्होंने मुक्तावली में अणुमत दीर्घ रसवंचा, कि मूलोक्त कार्य का कार्य की मजबूरी है, श्लोक बनाए हैं वो छंद बिगड़ जाएगा यदि इस क्रम से रख देंगे तो। अणु मने अणुत्तम महत्व मने महत्तम दीर्घ मने दीर्घत्तम रस्व मने रसोत्तम चेत्यर्थ चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन त्रिविधम, चारों के साथ परम और मध्यम जोड़ के दो दो प्रकार के हो जाएंगे। तत्र परमाणुत्व रस्वत्व परमाणु मनसो हो, परम और अणुत्व किससे जोड़ा आपने, रसवत्व के साथ, तब ये कहाँ का है परिमाण, परमाणु और मन के परिमाण है। मध्यम अणुत्व रसवत्व मध्यम जो अणुत्व रसवत्व लोगे तो ये दुणुक में आ जाएगा, और परम महत्व दीर्घत्व घनादि में, और मध्य महत्व दीर्घत्व घटादि में, इस प्रकार से चारों समझना है। ननु अणुत्तम एव रसोत्तम अस्तु, अणु और रस में क्यों फर्क कर रहे हो आप, दीर्घ और महत्व क्यों फर्क कर रहे हैं, जो महत्व है वो दीर्घ है, जो दीर्घ महत्व है, पर्यायवाच्य मान लो, अणु और रस को पर्याय मानिए, ये पूर्व पक्षी कहता है, तब सिद्धांत कहते नहीं हो सकता, कारण बता रहे देखिए। रसोत्तम अस्तु महत्व में जो दीर्घतम अस्तु कुतश्चातुर्विध्यम, चार प्रकार क्यों कहते, दो ही प्रकार का है, जन्ना तद अवधिक अणुतया प्रतियमान माने अपनी तद अवधिक ह्रस्वत्व अव्यवहार, किसी चीज में एक अवधिक अणुत्व जहाँ व्यवहार हो रहा है उसी को अवधि उसी में ह्रस्वत्व व्यवहार नहीं होता, व्यवहार वेद है। जैसे दो है एक दो, इसमें हम इसको मानो नहीं कहेंगे, इसको अवधि बना करके इसमें ह्रस्वत्व व्यवहार हो रहा है कि लंबा है, ये लंबाई के हिसाब से छोटा है, ये लंबाई के नाप में दीर्घ ह्रस्व हम
एक को दूसरे को अवधि बनाकर प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको महत्व और इसको अणु व्यवहार नहीं होगा, जब लंबाई के दृष्टि से देख रहा हूँ तो, और गात्र के दृष्टि से देखता हूँ तो, ये चावल है गोल, सरसों है गोल, ये छोटा है, और चना ये गोल बड़ा है, इसे गात्र एक अलग चीज़ है, लंबाई चौड़ाई अलग चीज़। इसे लंबाई चौड़ाई में हम क्या प्रयोग कर रहा हूँ, ह्रस्व दीर्घ प्रयोग कर रहा हूँ, और गात्र के लिए अणु और महत्व प्रयोग कर रहा हूँ। इसे दोनों पर्यायवाची कैसे हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। अतः जिसने जवाब दिया तद अवधिक जो अणुतया प्रत्यमान वस्तुओं में तद अवधिक ह्रस्वत्व का व्यवहार नहीं होता, ये मैं तद अवधिक किसी को तद मैंने किसी को ले लो उसका अवधि बनाकर किसी महत्व व्यवहार जो हो रहा है वहाँ दीर्घत्व व्यवहार नहीं होता, दीर्घत्व व्यवहार नहीं होता। तद अवधिक महत्वतया प्रत्यमान अपि तद दीर्घत्व अव्यवहारात ह्रस्वत्व दीर्घत्व और अतिरिक्त परिमाण त्या चातुर्विध संभवाद इति ध्येयम्। अनित्य तदनित्यं स्यान् नित्ये नित्यम् उदाहृतं संख्यात परिमाणाच्च प्रत्ययादपि जायते अनित्यम्। अनित्य तदनित्यं स्यात्, अरे जो परिमाण है अनित्यों में रहने वाला परिमाण सदा नित्य होता है, नित्यों में रहने वाला परिमाण नित्य होता है ऐसा कहा गया है, और ऐसा जो परिमाण जो अनित्य परिमाण है ये उत्पन्न कैसे होता है, अनित्य का मतलब उत्पन्न विनाशशाली, कहते संख्यात परिमाणत प्रच्यादपि, संख्याजन्य परिमाण होता है कहाँ, द्रणुक और त्रश्रेणु में संख्याजन्य परिमाण है, और परिमाणजन्य परिमाण कहाँ है, त्रश्रेणु से लेकर आ ब्रह्मांड पर्यंत सभी में परमाणुजन्य परिमाण है, परिमाणजन्य परिमाण है, और प्रच्याद कहाँ पर है, जहाँ पर अवयव की शिथिलकरण से और अवयव का निबड़ीकरण से हो जाता है, रुई आदि अवयव को फैला दो शिथिल कर दो और दबा दो निबड़ कर दो, वो कहते हैं प्रचयजन्य परिमाण। रबड़ भी ऐसे कोई चीज़ ले फैला दो, फैलने से जो बढ़े और छोड़ने पर घटे वो सब इसमें आ जाता है। तत्मने परिमाणम, तत्मने परिमाणम अनित्यम तत् तत्मने परिमाण, नित्यम इत्यत्र परिमाणम इत्यनुषिज्य, जैसे नित्यम अनित्यम सब जगह क्या करना है, परिमाण को जोड़ लेना, जायते इत्यत्र परिमाणम इत्यनुवर्तते, अनित्यम इति पूर्वेण अन्वितम, भले श्लोक का एक शब्द ले लिया क्योंकि बाकी पदों को आगे अलग कार्यक्रम में दे रहे हैं, लेकिन पूर्वान्वयित है इसलिए यहाँ ले लिया गया। तथा च अनित्य परिमाणम संख्याजन्यम परिमाणजन्यम प्रजयजन्यम चेत्यर्थ, इस वाक्यार्थ ऐसे बन जाएगा अनियत परिमाण जो है संख्याजन्य होता है, परिमाणजन्य होता है, प्रजयजन्य होता है इत्यर्थ। कारिका को तो ले लेते हैं, दृणुकादो तो संख्या जन्यम उदाहृतम, और दृणुकादि में जो है संख्याजन्य परिमाण ही स्वीकार किया गया, और आगे आएगा घटादि में परिमाणजन्य परिमाण कहेंगे आगे, तुलिकादो में प्रचयजन्य परिमाण, परमाणुगत द्वित्व के कारण से द्रणुक में आया ना संख्या, द्रणुकगत जो संख्या परिमाण है वो परमाणुगत संख्या से जन्य, द्रणुकगत जो तृत्व संख्या से त्रिश्रेणु में मात्र परिमाण जन्य हो गया, उसका विश्लेषण संख्या जन्य परिमाण कहेंगे, उसे आगे संख्या जन्य नहीं है, उसे आगे परिमाण जन्य परिमाण घटा दिया ब्रह्मांड पर्यंत। ठीक है, मूले अनित्य तत्मने परिमाण, अनित्य द्रव्य अनित्यम बोध्या, अनित्य द्रव्य में अनित्य परिमाण समझनी चाहिए, और नित्य द्रव्य च नित्यम यथा योगम उह्यम, ये अपने आप आप कर लो, जहाँ कहाँ कैसा है कैसा नहीं है क्या है क्या नहीं है स्वतः ही ऊह कर लेनी चाहिए, लेकिन अपने दर्शन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऊह कर लेना, वह पो ले उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। तदर दीर्घत्व रसवत्वम नित्य अनित्य भेदेन द्विधा, इसे भी दीर्घत्व रसत्व क्या है नित्य अनित्य भेद दो प्रकार के, नित्य दीर्घत्वम आकाशादो अनित्य दीर्घत्वम चन्य महत्व समनाधिकरणमेव, नित्य दीर्घत्व कहाँ है आकाशादि में, आकाश बहुत लंबा चौड़ा है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई नित्य ही है, न घटता है न बढ़ता है, सापेक्ष भी नहीं तुलना भी नहीं कर सकते, आकाश अमुख की अपेक्षा से छोटा है तुलना भी नहीं हो सकता,
अतएव उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो नित्य ही दीर्घ माना जाएगा। अनित्य दीर्घत्व जन्य महत्व समनाधिकरण विभाग, और अनित्य जो दीर्घत्व कहाँ रहेगा, जन्य महत्व परिमाण वालों में समनाधिकरण में रहता है। नित्यम रसोत्तम परमाणुत्वेव परमाणु त्वेव कैसे कर दिया, नहीं नहीं परमाणु परमाणावेव होनी चाहिए, बल्कि नित्य रसोत्तम परमाणु एव परमाणावेव होनी चाहिए। अनित्यम रसोत्तमच जन्य अणुत्व अधिकरण द्वणुग समवेतम इत्याचार्य। नित्य रसोत्त का है परमाणु मात्र में रहता है, और अनित्य रसोत्त जो है जन्य अणुत्व आदि के अधिकरण में जो द्वणुक है उसमें समय समय से रहता है, ऐसा उनका कहना है। परमाणु द्वणुकयो ह्रस्वत्वेन आकाशादि उपचतुष्टयस्य दीर्घत्वेन च केनापि अननुभूतत्वात्, क्योंकि जो है परमाणु और द्वणुक के ह्रस्वत्व किसके द्वारा भी अनुभव नहीं होता, और आकाश आदि उपचतुष्टय का भी दीर्घत्व किसके द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। कोई आकाश को आर पार कर तबन लंबाई न पाएगा, बोलेगा इतना लंबा है आकाश, इतना चौड़ा है। जब आकाश की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए कोई प्रयास करे तब तो कह सकता है ना, लेकिन किसी से भी होगा नहीं आकाश की लंबाई चौड़ाई नापना। आकाश के चारों का जो विभुत्व है कोई नाप के बता नहीं सकता है। केनापि अननुभूतत्वात् ह्रस्वत्व दीर्घत्व यह जन्य महत्व समनाधिकरणत्वम एव। ह्रस्वत्व और दीर्घत्व क्या है, जन्य महत्व परिमाण के समनाधिकरण ही हुआ करते हैं। जन्य महत्व परिमाण वाले कौन, घटादि, घटादि में समनाधिकरण रूपेण हम ये सब ह्रस्व दीर्घादि का व्यवहार कर देते हैं। अतः सूची दंडात ह्रस्वा, सूची दंडात ह्रस्वा तद दंडस्तु दीर्घम इति प्रतीतिश्च उपपद्यते, इसे प्रतीति उत्पन्न हो जाता है। सुई जो है डंडे की दंड की अपेक्षा से छोटा है, सुई तो इतना छोटा होता है, डंडा तो लंबा चौड़ा है, इसे लंबाई के हिसाब से नापे हैं तो सूची छोटा दंड लंबा, और दंड लंबा सूची की अपेक्षा से, सूची छोटा दंड की अपेक्षा से। ह्रस्व दीर्घ का शब्द हमेशा सापेक्षी प्रयोग होते हैं, कोई इनका अवधि बताना पड़ेगा किसकी अपेक्षा से छोटा, किसको बड़ा किसकी अपेक्षा से बड़ा ये बताना पड़ेगा। किसी ने कहे बहुत बड़े महात्मा हैं, अरे किसकी अपेक्षा से बड़े महात्मा हैं, आपकी अपनी अपेक्षा से ना, क्योंकि अगला तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनको किसी और बड़ा कहने पर सहन नहीं होता है ना। तो मैंने डांट के पूछा कैसे, मैंने कह दिया किसकी अपेक्षा से बड़ा है वो, कि खुद को बड़ा मानते हैं, अब आप उसके सामने कहो दूसरे को बड़ा तो गुस्साएगा ना। रो पूछा किसकी वजह से बड़ा, वो समझ गया मेरे अपनी बुद्धि की अपेक्षा से, और ठंडे पड़ो झंझटी कत्तम। अन्य तो अन्यों का कहना है अणुत्तम दीर्घत्तम चेत द्वेधा परिमाण द्वय मानिए अणुत्त और दीर्घत्व। ह्रस्वत्व दीर्घत्व अवयव संयोग विशेषात्मकत्व, ह्रस्वत्व दीर्घत्व क्या है, अवयव संयोग विशेषात्मक ही होते हैं, अन्यथा इदम वर्तुलम इदम चतुरस्रम इत्यनुभवेन वर्तुलत्वादिनाम भी परिमाणांतरता आपत्ति स्यात्। यदि वर्तुलत्व चतुरस्रत्वादि षडस्रत्व इत्यादि उनको भी अलग परिमाण मानना पड़ जाएंगे। यहाँ पर अन्यत्व से शुरू हुआ ना, अणुत्तम दीर्घत्वं च नहीं होनी चाहिए, अणुत्तम महत्वं च, क्योंकि आगे है ना ह्रस्वत दीर्घत्व यो, ह्रस्व दीर्घत्व अवयव संयोग विशेष मान लिया आपने, यह ऐसे दीर्घत्व नहीं होनी चाहिए, यह महत्वम होनी चाहिए। अणु और महत्व ही परिमाण है, और ह्रस्व दीर्घ को पृथक परिमाण मानने की जरूरत नहीं है, अवयव संयोग विशेष के आधार पर इनका व्यवहार हो जाएगा। जैसे इदम वर्तुलम इदम चतुष्म इत्यादि में अवयव विशेष का संयोग को लेकर के व्यवहार हो रहा है, नहीं तो उनको भी अलग अलग परिमाण मानना पड़ जाता। तत्र अनित्यम परिमाणम संख्या तो जायते परिमाणादि भी जायते प्रचयाद शिथिलाक्य संयोगादपि जायते। मुक्तावल्या संख्याजन्यमिति संख्या मात्रजन्यम परिमाण मात्रजन्यम और प्रचय मात्रजन्यम से तीन प्रकार तो है ही है, इसके अलावा दोष भी जन्य हो सकता है, संख्या और
परिमाण, ऐसा कह दी थी। इसके अलावा कह दिया प्रच्याद अपि, अपि से क्या लेना चाहते इति अपि ना, संख्या परिमाण उभयत्तावच्छिन्न जन्यम, संख्या और परिमाण दोनों के संयोग से पैदा हुआ, और संख्या परिमाण प्रचय तृतीयत्वावच्छिन्न भी तीनों के संयोग से उत्पन्न हो गया, ऐसे भी हम गिन सकते इत्यपि बोध्याम। बोले संख्या जन का उदाहरण दिया दोनों का आदावधि दोनों का परिमाणम परमाणु द्वयनिष्ठ द्वित्व संख्या जन्यम, दृणक का जो परिमाण है वो परमाणु द्वय में रहने वाला द्वित्व संख्या से जन्य है, और तश्रेणों में जो सबसे छोटा महत् परिमाण देख रहे हो वह दृणकत्रय निष्ठ तृत्व संख्या जन्यम, दृणकत्रय में रहने वाला तृत्व संख्या से जन्य होता है त्रश्रेणों का परिमाण हवाई मुक्तावड़ी मूल में। तद्र संख्या जन्यम उदाहरति दृणुकादावि, संख्याजन को उदाहरण कर दिया दृणुकादो, दृणुकस्य त्रश्रेणोश्च परिमाणम प्रति परमाणु परिमाणम दृणु परिमाणम व न कारणम, दृणु के प्रति परमाणु का परिमाण कारण नहीं है और त्रश्रेणु के प्रति दृणु का परिमाण भी कारण नहीं है। परिमाणस्य स्वसमान जातीय उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियमात, के परिमाण का स्वभाव है वो अपने से उत्कृष्ट, अपने से उत्कृष्ट को ही पैदा करते हैं। यदि परिमाण का परिमाण को दृण का परिमाण के प्रति कारण मानेंगे, परमाणु का परिमाण क्या है पारिमांडल्य परिमाण, वह परिमाण अपने उत्कृष्ट को पैदा करेगा ना, पारिमांडल्यतर हो जाएगा, पारिमांडल्यतम हो जाएगा, और सूक्ष्म और सूक्ष्म, फिर दृण भी नहीं दिखा, त्रिश्रण के जगत कुछ दिखा जाए नहीं, ये परमाणु ही नहीं दिख रहा है। उसके परिमाण से भी हमें उत्कृष्ट परिमाण हमने नहीं लेना है दृणक में, इसे परिमाण जन्य वहाँ परिमाण नहीं माना जाएगा, किन संख्या जन्य परिमाण, संख्या कारण से इकट्ठा हुए दो परमाणु जुड़ गए तो हम थोड़ा सा मोटा पा गया उसमें, और तीन सरसों जुड़ गया और मोटा हो गया तो हमारे अंकों को देखने लायक बन गया, विशेष स्तर पर हो गए, ऐसे नहीं सामान्य रूप से नहीं दिखता है, प्रकाश जो कण उड़ते हुए दिखते हैं, या किसी कपड़ा वपड़ा रखा इसको उठाइए हाथी लीजिए तो क्या होता है धूलकण, वो वहाँ भी क्या है त्रिश्रेणु के समूह दिख रहा है आपको, उसका अवयव का नाम त्रिश्रेणु, जो समूह दिख रहा है उसे एक जो अवयव हो गया छोटा सा छोटा वो आपकी आंखों के स्पर्श दिखता नहीं है, वही त्रिश्रेणु ये कहा गया। इसलिए कहते हैं परिमाण से स्वसमान जातीय उत्कृष्ट परिमाण का जनक होने का नियम स्वीकार करने से दृणुक अनुपरिमाण तो परमाणु अणुत्वपेक्षा नोत्कृष्ट, इसे दृणुक में जो अणुपरिमाण कह दिया जाता है वह परमाणुत्व अणुत्व परिमाण की अपेक्षा से उत्कृष्ट परिमाण नहीं है। एवं त्रिश्रेणु परिमाण तो न सजात्यम, और त्रिश्रेणु का जो परिमाण उत्पन्न हुआ छह परमाणुओं से, तीन दृणुक मैने छह परमाणुओं से उत्पन्न जो त्रिश्रेणु का परिमाण है वो सजातीय नहीं है, किंतु हम विजातीय मानेंगे, इसका नाम रख दिया महत् परिमाण। ये दो में संख्या जन्य था, इसे संख्या के आधार पर नामकरण कर दिया दृणुक त्रिश्रेणु करके, उसके परिमाण के लिए आगे का महत्व था, इसे उस आगे सब महत्तर महत्तम परिमाण होते जाए, उत्कृष्ट परिमाण पैदा होगा। दृणुक से अनुपरिमाण तो न परमाणु अनुत्वपेक्षा उत्कृष्ट, त्रिश्रेणु परिमाण तो न सजातीय, अतः परमाणु द्वित्व संख्या दृणुक परिमाण से दृणु के त्रित्व संख्या च त्रिश्रेणु परिमाण से असमय कारण मित्यर्थ स्पष्ट है। टीका मुक्तावल्या संख्या समय कारणकत्व संख्या भिन्न समय कारणकत्व भाव च उपपादयति, संख्या ही है असमय कारण किसके लिए दृणुक परिमाण के लिए, और संख्या से भिन्न कोई परिमाण आदि जो है असमय कारण नहीं है किसके दृण के परिमाण और त्रिश्रेणु का परिमाण के प्रति, इस बात को पालन के दृण कसी इत्यादि दृण के संवेतम परिमाणम प्रति परमाणु परिमाणम और त्रिश्रेणु संवेद परिमाणम प्रति च दृण परिमाणम न असमय कारण भवित अर्थी तथा हेतु मह, क्यों परिमाण का स्वभाव है वह स्वसमान जातीय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न कर देता है। परिमाणस्य माने परिमाण असमय कारण परिमाण मात्र से परिमाण रूपी असमय कारणात्मक परिमाण मात्र का नियम है
स्वसमान जात्यम यत् स्वोत्कृष्टम परिमाणम तन निर्भिद असमय कारणता वत्व नियमात। जो वो क्या करता है, अपने समान जातीय जो अपने से उत्कृष्ट परिमाण है उससे निरूपित के परिमाण के प्रति वो असमय कारणता वाला हो जाता है। साजात्यम परिमाण विभाजक उपाधि रूपे नहीं, वह साजात्य कैसे लेंगे परिमाण विभाजक उपाधि, ये तो मात कहाँ से आ जाएगा, विजातीय हो गया ना। त्रश्रेणु तक तो संख्या से आए और त्रश्रेणु में जो संख्या से उत्पन्न परिमाण क्या किया, वो संख्या वाला ही नहीं बोला, मात नाम रख दिया, मैंने विजाती हो गया। ऐसे भ्रम नहीं करना कि वो भी परिमाण विशेष ही है, परिमाण का ही विभाजक उपाधि है ना। वो महत्व कहो अणुत्व कहो संख्याजन्य ये सब कहो तो भी क्या है, वो सब परिमाण के ही विभाजक है। इसे कह दिया कि वो जो परिमाण विभाजक उपाधियों को ही साजात्य शब्द से लिया जाएगा। उत्कर्ष मैंने तरतमत्वादि न बोध्य तथाच द्वणुक परिमाणम मध्याणुत्वंतो परमाणोर अणुत्वपेक्षया नोत्कृष्टम। इसे कोई कहे द्वणुक का जो परिमाण है मध्य अणु नाम रख दिया जाए, तो बीच में हो रहा है ना वो परमाणु और त्रिशूल के बीच में पड़ रहा है वो, इसे उसका परिमाण का नाम रख दूंगा मध्य अणु। मध्य अणु नाम रख भी लूँ परमाणु और अणुत्वपेक्षया, इन परमाणु में केवल अणु था, परमाणु का परिमाण अणु परिमाण नाम रख दो और द्वणुक परिमाण का नाम मध्यम अणु नाम रख दोगे तो भी जो परमाणु में रहने वाला अणु परिमाण है और द्वणुक में रहने वाला मध्य अणु नाम भले रख दो तो इन दोनों में भिन्न नहीं है, साजात्य उत्कृष्ट नहीं है, नाम मात्र फर्क कर दे रहे हो क्यों समझाने के लिए, लेकिन वस्तु में कोई भेद नहीं होता। मध्याणुत्व तो परमाणु अपेक्षा न उत्कृष्ट अर्थात न अणुत्तरम। त्रश्रेणु निष्ठ अपकृष्ट महत्परिमाणं तो न अणुत्वेन ह्रस्वत्वेन वा। और इसी प्रकार से त्रश्रेणु में रहने जो अपकृष्ट महत्परिमाण थी वह परिमाण भी अणुत्वेन उत्पन्न नहीं हुआ है न ह्रस्वत्वेन उत्पन्न हुआ है, किंतु द्वणुकनिष्ठ अणुत्वादि सजातीयम, द्वणुकनिष्ठ अणुत्वादि का सजातीय जो है अपकृष्ट महत्परिमाण उत्पन्न, सजाति के महत्व अणुत्व का सजाती, ये नहीं कि अणुत्तर अणुत्तम ही सजाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अणुत्व और महत्व दोनों क्या है परिमाण की विभाजक उपाधियां हैं। ये कहा तथा अनुमान में इसे अनुमान कर रहे अणुपरिमाण सामान्यम, अणुपरिमाण सामान्य कैसा है, परिमाण निष्ठ कारता निर्विदो असमय कारणत्व अभावत। परिमाण निष्ठ कारता निर्विदो असमय कारणत्व वाला वो नहीं हो सकता अनुपरिमाण, क्योंकि संख्या से ही होना है, संख्या ही वहां पर असमय कारण है, परिमाण कारण नहीं है। दोनों त्रिशूल पर्यंत अणुपरिमाण सामान्यम परिमाण निष्ठ कारता निर्विदो असमय कारणत्व अभावत स्वसमान जातीय स्वोत्कृष्ट परिमाण असमय कारणकम यद्यत्सम तत्त व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदकूट विशिष्ट परिमाणत्वात् विहु परिमाणवत्। ये हेतु हेतु बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया, स्वसमान जातीय स्वोत्कृष्ट परिमाण का असमय कारण वाला परिमाण हुआ करता है और जो जो ऐसा होता है वह वह तत्त व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदकूट से विशिष्ट जो परिमाण है तार्स परिमाण वाला होने से दृष्टांत क्या दिया, विहु परिमाणवत इति। किंच परमाणु निर्वैव द्रव्यत्वेन पारिमांडल्यवत्वेन च, परमाणु कैसा है निर्वैव द्रव्य है, उसकी एक हमने कल्पना कर लिया पारिमांडल्य नाम का एक परिमाण, तयो शिथिल संयोग अभावात, लेकिन वहां पर शिथिल संयोग निविड़ संयोग वह हो नहीं सकता भाई, अवयव में तो घटन ढीला पड़ना टाइट होना यह अवयव में होता है ना, या अवयव ही नहीं है जिसका उसको ढीला कैसे करेंगे, जब रबर बैंड है आपने दृष्टांत ली, लेकिन वो का अवयव वाला है ना, इसे खींच रहे हैं आप और छोड़ रहे हैं आप, लेकिन जो अवयव है ही नहीं वह खींचतान कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं परमाणु और द्वणुक में ये समस्या आ रही है कि परमाणु और निर्वैत्व द्रवित्व पारिमांडल्य तो शीतल संयोग अभावात् द्वणुकानां सावयव द्रव्य आरब्धत्व अभावात्
तेषामपि शीत संयोगे मान अभाव, लेकिन द्वणुक में तो अवयव है ना दो परमाणु, वहाँ शीतल करो कहते वहाँ शीतल तो नहीं हो पाएगा। क्यों? परमाणु भी कैसे हैं सावय है कि निरवय थे, वो निरवय परमाणुओं से द्वणुक पैदा हुआ, अतएव कारण में अवयव ही नहीं। अवयवी में शीतलता कब आएगी? जब कारण रूप अवयव में शीतलता करने की सामर्थ्य हो तब तो अवयव में व्यवहार होगा। लेकिन अवयव कारण कैसे हैं? खुद निरवय है परमाणु, अथवा शीतल हो नहीं सकता, अतः द्वणुक में भी शीतलता नहीं हो सकती। त्रिशृणु से आगे होगा वैसे पूर्व तक नहीं हो सकता। मानाभावात द्वणुक त्रिणुक परिमाणो प्रचय असमय कारणकत्व असंभव, इसे द्वणुक और त्रिणुक परिमाणों में प्रचय रूपी असमय कारणता नहीं हो सकता। द्वणुक परिमाण और त्रिशृणु परिमाण, ये दोनों परिमाण कैसे हैं? परिमाण जन्य भी नहीं हो सकते, प्रचय जन्य भी नहीं हो सकते, अतएव क्या है वो? केवल संख्या जन्य। ये सिद्ध हुआ। इतनी बात कहने का अभिप्राय यही है, ये सिद्ध करने के लिए कि द्वणुक और त्रिशृणु में परिमाण जन्य परिमाण नहीं है और प्रचय जन्य परिमाण भी नहीं है, उसके लिए इतनी युक्तियाँ दिया गया। अतः उक्त रीत्या द्वणुक त्रिणुक परिमाण यह परिमाण प्रचय असमय कारणकत्व असंभवात, परमाणु निष्ठा द्वित्व संख्या द्वणुक परिमाण से असमय कारणम, जिसे परमाणु में रहने वाली द्वित संख्या है वही द्वणुक परिमाण का असमय कारण होता है, और द्वणुकनिष्ठ त्रु संख्या च त्रिश्रेणुगत अपकृष्ट महत्परिमाण से असमय कारण मित्यर्थः।